हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबसे बात करी थी किड्स प्रोडक्ट्स के बारे में, जो आप अपने बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं या मैं आज तक अपने बेटे के लिए द्रोहिन के लिए यूज़ करते आई हूँ। तब मैंने बात करी थी आपसे बॉडी वॉशेस के बारे में, जिसमें मैंने बायोटिक और सेबोमेड के बॉडी वॉशेस की बात करी थी। और मैंने आपसे बात करी थी शैम्पूज़ के बारे में, बायोटिक के ग्रीन एप्पल शैम्पू के बारे में एंड सेबामेड शैम्पू के बारे में। एंड आई टॉक्ड अबाउट रैश क्रीम्स, मैं बच्चे के लिए क्या क्या यूज़ करती हूँ, सेबामेड रैश क्रीम एंड बेबी पाउडर्स, जो मैं उसके लिए समर्स में यूज़ करती हूँ या फिर जब जब उसको रैशेज आने आते हैं तब यूज़ करती हूँ। तो मैंने उन सब तीन चीज़ों के बारे में बात करी थी। अब आज मैं बात करने जा रही हूँ बॉडी लोशंस के बारे में और सनस्क्रीन्स और टूथपेस्ट एंड जनरली क्या क्या मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ। तो उनमें से सबसे पहले मैं बात करूँगी बॉडी क्रीम की। अब मेरे बेटे की स्किन बहुत ड्राई है, तो इसीलिए मुझे उसके लिए बॉडी लोशन ईच एंड एवरी डे 12 मंथ्स में रेगुलरली उसके लिए बॉडी लोशन चाहिए होता है। तो विंटर्स में मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ दिस बायो विंटर चेरी रिजुविनेटिंग बॉडी लोशन, बॉडी नरिशर बाय बायोटिक। और यूजुअली समर्स में मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ ये बायो मॉर्निंग नेक्टर। ये मैं रेगुलरली बैक टू बैक उसके लिए यूज़ करती हूँ और अपने लिए भी। तो ये बॉटल मेरे घर पे कभी ख़त्म नहीं होती। इनमें ऐसा क्या खास है जो मुझे इसको इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है अपने बच्चे के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इसमें अच्छी बात है कि ये बायोटिक का प्रोडक्ट्स हैं, तो ये 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल, हार्मफुल इन्ग्रीडियंट नहीं होगा। 100% बोटैनिकल एक्सट्रैक्ट से बने हुए, यानी कि सिर्फ प्लांट्स एंड फ्लावर्स एंड हर्ब्स, इन चीज़ों से बने हुए इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें इंग्रेडिएंट में सबसे पहला आता है गेहूं सीड, यानी कि वीट सीड, वीट जर्म, जो बहुत ही नरिशिंग होता है बॉडी के लिए और बॉडी को इरिटेट नहीं होने देता, स्किन को इरिटेट नहीं होने देता। सेकेंड इज कुमारी लीफ पल्प। थर्ड इज मधु। मधु मीन्स हनी। हनी अगेन बहुत नरिशिंग होता है स्किन के लिए, उसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये क्रीम्स स्किन को इरिटेट नहीं होने देंगी, या स्किन पे कहीं पे भी रैश आ रहा हो या आपको लगे कि आपकी ड्राई हो रही है स्किन और इरिटेटेड स्किन है, तब आप ये अप्लाई करिए, आपकी कोई भी इरिटेशन स्किन में होगी वो दूर हो जाएगी। देन इसमें बादाम सीड ऑयल है, यानी कि आलमंड ऑयल। आलमंड आप सब जानते हैं इट इज़ वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। बादाम ऑयल यानी कि आलमंड ऑयल या कोई भी ऑयल जो एंटीऑक्सीडेंट रिच है, वो हमारे स्किन में कोलाजन प्रोडक्शन भी इंक्रीज करता है। कोलाजन प्रोडक्शन यानी कि हमारी स्किन नेचुरली कोलाजन प्रोड्यूस करती है, जो सेल टर्नओवर में काम आता है। सेल टर्नओवर क्या होता है? हमारे डेड स्किन सेल्स, जो स्किन के ऊपर डेड स्किन सेल्स हैं, वो अपने आप रिमूव होंगे और इंटरनली जो डर्मल स्किन है वो न्यू स्किन सेल्स बनाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल टर्नओवर। अब ये सेल टर्नओवर धीरे भी हो सकता है और तेज भी हो सकता है। एजिंग के साथ साथ ये सेल टर्नओवर धीरे हो जाता है, स्लो हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी इंग्रेडिएंट जो एंटीऑक्सीडेंट रिच है, वो कोलाजन प्रोडक्शन जरूर इंक्रीज करता है। और कोलाजन प्रोडक्शन इंक्रीज करने से क्या होता है कि ये जो नेचुरली कोलाजन होता है, ये एक बूस्ट होता है, ये किक देता है हमारी स्किन को, ताकि वो ज्यादा जल्दी सेल्स प्रोड्यूस कर सके और डेड स्किन सेल्स रिमूव कर सके। ओप्स, डेड स्किन सेल्स के साथ मेरी बॉटल भी रिमूव हो गई यहाँ पे। अब इसके बाद इसमें जो इंग्रेडिएंट है दैट इज कुसुम्भी। कुसुम्भी जो है दैट इज सैफलार ऑयल, यानी कि सैफलार फ्लावर से बना हुआ ऑयल। और जो सैफलार है, ये ऑयल है दैट इज वेरी मच रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच होने के साथ साथ वो इन्फ्लेमेशन से बहुत जल्दी और इजीली फाइट करता है। और कुसुम्भी ऑयल जो है वो एंटी स्ट्रेस भी होता है, यानी कि स्ट्रेस रिलीविंग, बिकॉज वो इतना नेचुरली अच्छे फ्रेग्रेंस का है कि दीज ऑयल्स आर गुड फॉर रिलीविंग स्ट्रेस। ये बायो मॉर्निंग नेक्टर जिसके पास है उसको पता होगा मैं किस फ्रेग्रेंस की बात कर रही हूँ। इसके जैसी नेचुरल फ्रेग्रेंस, अच्छी फ्रेग्रेंस आप कोई भी क्रीम में ढूंढ लीजिए, आपको नहीं मिलेगी। ये आई एम एडिक्टेड टू दिस फ्रेग्रेंस, और ये क्रीम मैं अपनी लाइफ में लगभग 10-12 साल से लगातार यूज कर रही हूँ, एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस फ्रेग्रेंस। ये नेचुरल इन्ग्रीडियंट से बनी हुई, बोटानिकल इन्ग्रीडियंट से बनी हुई क्रीम है, बट इट इज सो मच सूदिंग टू द स्किन एंड द स्मेल इज जस्ट
यू नो माइंड ब्लोइंग, इट इज माइंड ब्लोइंग लिटरली। आईटी पे आते हैं बायो विंटर चेरी क्रीम, जो विंटर स्पेसिफिक मैं यूज करती हूँ मेजरली, बट अगर आपके किसी की भी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है या आपके बच्चे की बहुत ज्यादा स्किन ड्राई है तब आप ये नॉर्मली भी यूज करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बायोटिक विंटर चेरी के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इसमें है सूरजमुखी ऑयल यानी कि सनफ्लावर ऑयल, दैट इज वेरी नरिशिंग फॉर द स्किन। कुसुम्भी ऑयल अगेन नरिशिंग भी है और एंटी इन्फ्लेमेटोरी भी है, इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेशन से फाइट करता है। और इसमें है सरसों तेल, सरसों तेल इज मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल खाने में अच्छा है सबको पता है, पर कुछ पोर्शन स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है बिकॉज इट इज एंटी फंगल इन नेचर। एंटी फंगल है, एंटी माइक्रोबियल है, तो ये किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को या जर्म को स्किन पे ग्रो नहीं करने देता। सो मच सो कि आई थिंक अगर किसी को एक्ने है या जनरली बैक्टीरियल एक्ने ग्रो करता है या फंगल एक्ने ग्रो करता है और रेगुलर बेसिस पे वो अपनी ट्रीटमेंट के साथ ये एज अ मॉइस्चराइजर यूज करेंगे तो उनको भी बहुत बेनिफिशियल होगा बिकॉज इसमें ये इन्ग्रीडियंट्स जो है वो एंटी फंगल है। जटामानसी इज अनदर इन्ग्रीडियंट दैट इज अगेन एंटी इन्फ्लेमेटोरी एंड वेरी मॉइस्चराइजिंग। एंड एक और इन्ग्रीडियंट है बादाम ऑयल, जो उसमें भी था। आलमंड ऑयल अगेन एंटी इन्फ्लेमेटोरी है एंड एंटी ऑक्सीडेंट रिच है, सो ये हमारा कोलाजन प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। एंटी एजिंग में भी ये सब, अगर किसी की एज बढ़ रही है रोज रोज अगर आप ये क्रीम लगाइए, सनस्क्रीन लगाइए, आपकी स्किन मेंटेन्ड रहेगी रादर देन एक एज पे आने पे एंटी एजिंग क्रीम ज्यादा लगातार यूज करने से और एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स करवाने से। बेटर है कि हम यंग एज से ही स्टार्ट कर दें अपनी स्किन को नरिश रखना और यंग एज से ही अपनी स्किन का ध्यान रखना शुरू कर दें। तो उसके लिए एक डेली गुड मॉइस्चराइजर होना और सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है स्किन के लिए। नेक्स्ट क्रीम है ये जो मुझे अच्छी लगी थी, मामा अर्थ की, और इसका नाम है मॉइस्चराइजिंग डेली लोशन फॉर बेबीज एंड इट हैज शिया बटर एंड होब ऑयल, ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। अब ये बायोटिक वाली दोनों क्रीम्स थोड़ी सी थिक हैं, ये वाली क्रीम एज कम्पेयर टू दोज इट्स अ लिटिल थिन। मैं आपको दिखाती हूँ, आप ये देखिए, इट्स अ लिटिल थिन इन कंसिस्टेंसी, ये देखिए कैसे फ्लो कर रही है, तो ये थिन है। तो किसी की स्किन, आपको लगता है कि आपके बेबी की स्किन ड्राई नहीं है, नॉर्मल टाइप्स है एंड या फिर ऑयली स्किन है बेबी की, तो तब आप ये मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ये ड्राई स्किन वाले को भी सूटेबल है बिकॉज मेरे बेटे की ड्राई स्किन है तो उसके लिए मैं यही ये भी अप्लाई करती हूँ, वो भी अप्लाई करती हूँ, तो दोनों बहुत अच्छी हैं। और इसको फर्स्ट इम्प्रेशन अगर आप सबसे पहले फ्रेग्रेंस होंगे तो आपको ऐसे लगेगा आप बैम्बू स्मेल कर रहे हैं। आई डोंट नो वो इंग्रेडिएंट्स में है या नहीं, बट इसमें ये देखिए आप फोटो में बैम्बू जरूर बना हुआ है तो शायद हो। दीज प्रोडक्ट्स आर डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड, तो ये बच्चे की स्किन के लिए डर्माटोलॉजिस्ट से टेस्ट होके फिर प्रोडक्ट्स आते हैं। इसमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज कैप्राइलिक ट्राइग्लिसराइड। अब कैप्राइलिक ट्राइग्लिसराइड बहुत सालों से बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, लिपस्टिक्स में, फेस क्रीम्स में, फेस पाउडर्स में, बहुत सारी चीज़ों में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में और बच्चों की क्रीम्स में और हेयर प्रोडक्ट्स में, बहुत सारी चीज़ों में कैप्राइलिक ट्राइग्लिसराइड यूज होता है। इट्स अ वेरी बेसिक कॉमन इन्ग्रीडियंट फॉर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बिकॉज इट इज वेरी नरिशिंग इन नेचर एंड एक बहुत अच्छा इमोलियंट का काम करता है वो, यानी कि सारे इन्ग्रीडियंट्स को इकट्ठा रखने में और मॉइस्चराइज एक कंसिस्टेंसी में रखने के लिए, मॉइस्चराइज फॉर्म में रखने के लिए हेल्प करता है वो, सारे इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग स्कैटर नहीं होने देता। जैसे आप ऑयल में वाटर डालें या वाटर में ऑयल डालें तो वो अलग अलग होता है ना, तो उनको साथ रखने के लिए एक इमल्सिफायर या इमोलियंट चाहिए होता है, तो वो ये इमोलियंट, ये इंग्रेडिएंट जो है वो बेसिक बहुत मॉइस्चराइजिंग होता है और इमोलियंट का काम करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हम बात कर रहे हैं इसमें है शिया बटर, कोको बटर, दो बटर्स हैं, शिया बटर एंड कोकोआ बटर, बोथ ऑफ देम आर वेरी मॉइस्चराइजिंग फॉर द स्किन। ऑब्वियसली ये किड्स, बच्चों के लिए, न्यूबॉर्न बेबीज तक के लिए रिकमेंडेड होती है कई बार। जब मेरा बेबी बॉर्न हुआ था तब ये ब्रांड लॉन्च नहीं हुआ था, तो जब ये ब्रांड लॉन्च हुआ तब माई सन वॉज अराउंड आई थिंक 2 years old, maybe 1.5, so I am using this from the past 2 years, maybe not more than that. उससे पहले मैं बायोटिक और सेबामेड ही यूज कर रही थी, तो ये मैंने राउंड अबाउट 1.5 या 2 years पहले लिया होगा, मतलब ये प्रोडक्ट ट्राई किए होंगे मामा अर्थ के, और तब
मैंने नोटिस किया कि ये क्रीम भी अच्छी है और ये प्रोडक्ट्स भी बच्चों के लिए सेफ हैं, अच्छे हैं। सो शिया बटर, कमिंग बैक टू इंग्रेडिएंट्स, इसमें शिया बटर एंड कोकोआ बटर हैं जो बहुत ही ज़्यादा नरिशिंग होते हैं स्किन के लिए, और इसमें ऑलिव ऑयल एंड वीट जर्म ऑयल है। ऑलिव ऑयल अगेन इट्स वेरी नरिशिंग फॉर द स्किन एंड इट हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। वीट जर्म ऑल्सो हैज़ प्रॉपर्टीज दैट फाइट इन्फ्लेमेशन या एलर्जीज। तो बच्चों के इन क्रीम्स में ये इंग्रेडिएंट्स काफ़ी डलेंगे जो स्किन इरिटेशन से फाइट करें, बिकॉज बच्चों की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसमें थोड़ा सा भी जर्म या डर्ट लगेगी या कुछ होगा तो वो रैश क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली उनके हर प्रोडक्ट में काफ़ी इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो स्किन इरिटेशन से फाइट कर सके। ओके, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें मामा अर्थ वाले लोशन में बात करेंगे, दैट इज कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट। अब कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट जो है, अगेन इट इज एंटी इन्फ्लेमेटोरी, तो वो भी स्किन इरिटेशन से प्रोटेक्ट करेगा। होबा ऑयल, दैट अगेन इट्स वेरी नरिशिंग फॉर द स्किन। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट स्किन इरिटेशन और से दूर रखता है और सूद करता है स्किन को। वाइटामिन ई, वाइटामिन ई इज एंटी ऑक्सीडेंट रिच, तो वो स्किन के कोलाजन प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। एंड नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज सॉर्बिटान ऑलिवेट। अब ये जो केमिकल नेम्स है ना, इनमें एक खासियत होती है कोई भी केमिकल नेम में कि उसके इंग्रेडिएंट उसके नेम में ही छुपे होते हैं। तो सॉर्बिटान यानी कि ऑब्टेंड फ्रॉम सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल इज एन ऑल एल्कोहलिक ग्रुप ऑफ शुगर ऑब्टेंड फ्रॉम ग्लूकोज, तो उसको सॉर्बिटॉल बोलते हैं। तो सॉर्बिटॉल और ऑलिवेट यानी ऑलिव ऑयल, ऑलिव सॉर्बिटॉल और ऑलिव से बना हुआ एस्टर को हम बोलते हैं सॉर्बिटॉन, सॉर्बिटान ऑलिवेट। अब इसका यूज क्या होता है, इतने अजीब से बड़े से नाम का यूज क्या है इस इंग्रेडिएंट में, तो ये जो सॉर्बिटॉन ऑलिवेट है ये दो काम करता है। फर्स्ट काम इमोलियंट, यानी कि एक बहुत ही मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट होता है, तो ये मॉइस्चराइज फॉर्म में सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा रखता है, तो ये एक इमोलियंट का काम करता है। दूसरा काम, ये एक इमल्सीफायर का काम करता है, यानी कि जो बात मैं अभी आपको बता रही थी कि अगर आप पानी में ऑयल डाल देंगे तो वो मिक्स नहीं होगा अपने आप, तो उनको आपस में रखने के लिए एक इमल्सीफायर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ऑयल फॉर्म्स को और वाटरी फॉर्म्स को, वाटर बेस्ड इंग्रेडिएंट को और ऑयल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा रखेंगे। तो इसीलिए कोई भी लोशन, फेस प्रोडक्ट, इवन फाउंडेशन या किसी भी चीज़ में इमल्सीफायर्स का होना बहुत ज़रूरी है। इमल्सीफायर, इमोलियंट्स एंड इमल्सीफायर्स दोनों का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो फेस क्रीम हो या फाउंडेशन हो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो इनमें है, दैट इज ग्लिसराइल स्टेरेट। ग्लिसराइल स्टेरेट अगेन इस लोशन के सारे इंग्रेडिएंट्स को स्टेबल रखने में काम आता है। सोडियम बेंजोएट, अगेन सोडियम बेंजोएट से नाम कैसे पता चलता है कि बेंजोएट यानी बेंजीन रिंग से रिलेटेड समथिंग, तो बेंजीन जो अगर आपने केमिकल लैब में सूंघा होगा, स्मेल किया होगा, तो इट इज वेरी नेचुरली, इट हैज अ वेरी सूदिंग फ्रेगनेंस बेंजीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, तो ये एज अ फ्रेगनेंस यूज होता है सोडियम बेंजोएट। एंड कैमोमाइल एसेंशियल ऑयल, कैमोमाइल इज एंटी स्ट्रेस रिलीविंग, तो वो स्ट्रेस को दूर रखता है। एंड जो ये पोटेशियम सॉर्बेट है, ये एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, बिकॉज इस लोशन को एक साथ यू नो सेफ रखना जरूरी है, तो इट एक्ट्स एज एन एडिटिव, एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। तो ये लोशन ओवरऑल मुझे अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा लगा है, अलॉन्ग विद बायोटिक। एंड ऑल्सो आई यूज टू यूज सेबामेड लोशन, जो अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है बिकॉज वो मैंने यूज करना बंद कर दिया था। सेबामेड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब pH बैलेंस्ड होते हैं। इट इज मेंटेन्ड ऑन 5.5 pH, जो स्लाइटली एसिडिक pH होता है, यानी कि 7 से कम स्लाइटली एसिडिक pH होता है, और हमारी जो स्किन का नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर है वो एसिडिक pH पे ही नेचुरली मेंटेन रहती है। हमारी जो स्किन है उसकी टॉपिकल डर्मल लेयर, जो ऊपर की डर्मल लेयर है, वो खुद से एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्किन को जर्म से या इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन से बचाने के लिए। वो हमारी स्किन का काम है नेचुरली प्रोड्यूस करना उस लेयर को। अब उस लेयर को मेंटेन करने के लिए हमें स्किन पर स्लाइटली एसिडिक pH होना चाहिए, क्योंकि उसी pH पे वो स्किन लेयर ग्रो करती है और मेंटेन रहती है। तो इसीलिए जो सेबामेड के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे 5.5 pH पे सेटल्ड हैं, ताकि जो बेबी की स्किन है जो बहुत सेंसिटिव होती है उस पे जो वो प्रॉपर प्रोटेक्टिव लेयर है वो मेंटेन्ड रहे,
तो वो सेबामेड के जो लोशंस हैं दैट आर वेरी गुड, इवन सो मच सो कि अगर रैशेज हों बच्चे को और आपको कुछ नहीं समझ आए तो क्या लगाओ, तो आप सेबामेड का लोशन लगा सकते हैं. बिकॉज मेरे बच्चे को जब रैशेज थे होते थे और अगर मेरे पास सेबामेड रैश क्रीम नहीं होती थी तो मैं उसको सेबामेड लोशन लगा देती थी उस टाइम जब वो छोटा था. तो सेबामेड की लोशन भी उतना ही इफेक्टिव है जितना रैश क्रीम. इनफैक्ट लोशन तो डेली यूज के लिए होता है, रैश क्रीम स्पेसिफिकली रैशेज के लिए, बट लोशन आप डेली लगा सकते हैं जब रैशेज हों तब भी और जब रैशेज ना हो तब भी. लोशंस के बाद हम चलते हैं सनस्क्रीन पर. दिस इज बायोटिक्स बायो एलोवेरा सनस्क्रीन. इट हैज SPF 20+. ये 6 months और ओल्डर यानी कि 6 महीने या उससे ऊपर के बच्चे के लिए है. और UVA एंड UVB बोथ रेज से ये प्रोटेक्ट करता है. एंड अगेन प्रिजर्वेटिव फ्री कंपनी है, बोटानिकल इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, इसीलिए मुझे बायोटिक पर पूरा भरोसा है. सो आई रियली ट्रस्ट दैट ब्रांड. अगेन जो मॉर्निंग नेक्टर, जो मैं विंटर क्रीम हम यूज करते हैं मॉर्निंग नेक्टर दिस वन, उसी के साथ की ये क्रीम है. ऑरेंज कैप शोज दैट इट एक्ट्स एज अ सनस्क्रीन. तो इसमें SPF यानी कि UVA फिल्टर एंड UVB फिल्टर दोनों डाले हुए हैं. अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं हेयर ऑयल पर. फर्स्ट इधर विंटर्स में मैं बादाम ऑयल यूज करती हूँ उसके लिए, और समर्स में मैं उसके लिए कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ. बट मेजरली अगर मुझे 12 months उसके लिए कोई हेयर ऑयल यूज करना है, और क्योंकि उसका हेयर बहुत ड्राई हो जाता है, तो मैं उसके लिए ये यूज करती हूँ, दैट इज फॉरेस्ट एसेंशियल दशुपदी हेयर ऑयल. अब ये थोड़ा एक्सपेंसिव हेयर ऑयल है, आई अग्री, ये 1100 का आता है, बट इट इज सो नाइस. एंड बॉयज के तो हेयर थोड़े से ही होते हैं, तो यू नो बहुत थोड़ा सा लगता है. अभी भी आप ये देखिए, मुझे लिए हुए भी आई थिंक 4 months हो गए हैं, बट स्टिल ये इतना सा अवेलेबल है मेरे पास, और मैं उसको रेगुलरली अप्लाई करती हूँ ये. तो ये एक बॉटल भी आपकी 3-4 months आराम से चल जाएगी. तो ये भी बोटानिकल इंग्रेडिएंट से बनी होती है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल, हार्मफुल प्रोडक्ट्स, प्रिजर्वेटिव्स, पैराबेंस वगैरह कुछ नहीं होता. इसमें कोकोनट ऑयल है. कोकोनट ऑयल इट्स वेरी नरिशिंग फॉर द हेयर, फॉर द स्किन. ऑलिव ऑयल है. कोकोनट ऑयल जो है दैट इज प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इरिटेशन. तो हेयर को, हेयर के स्कैल्प को इरिटेशन से बचा के रखेगा कोकोनट ऑयल. तो ये स्कैल्प को प्रोटेक्ट करता है, इरिटेशन से बचा के रखता है. ऑलिव ऑयल जो है बहुत मॉइस्चराइजिंग है नेचर में, तो ऑलिव ऑयल हेयर को बहुत नरिश रखता है. देन इसमें इंग्रेडिएंट है जैस्मिन एंड सैफ्रॉन रोज. अब ये दो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मॉइस्चराइजिंग भी है और साथ साथ इन दोनों की फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी होती है कि इट विल टेक यू टू द माउंटेन्स अगेन. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है इंडियन मदर. अब इंडियन मदर जो है इट इज अगेन एंटी इन्फ्लेमेटोरी. आपको लगेगा मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, बट ये बार बार इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनमें बेनिफिट्स जो हैं, एक बेनिफिट की सब के सब बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस के हैं, बिकॉज सब के सब या तो लीव्स हैं या फिर फ्लावर बेस्ड इंग्रेडिएंट है, फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स. सेकंड, इन सब में जो प्रॉपर्टीज हैं वो हैं कि ये एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल हैं. तो एक तो स्किन इरिटेशन से सब के सब इंग्रेडिएंट हमारे स्कैल्प को प्रोटेक्टेड रखेंगे या बच्चे के स्कैल्प को प्रोटेक्टेड रखेंगे. सेपरेटली हम इनकी बात करें तो इंडियन मदर एंड मैरीगोल्ड, अगेन इनकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है और ये एंटी फंगल है नेचर में. और आमला फ्रूट एक्सट्रैक्ट, आमला सबको पता है कि इसमें बहुत ज्यादा विटामिन ए होता है और वो हेयर के लिए बहुत अच्छा है. विटामिन ए जो है वो स्किन के लिए, हेयर के लिए और आईज के लिए, तीनों के लिए बहुत अच्छा होता है. तो विटामिन ए जिस भी चीज में अच्छा होगा वो हमारे हेयर को, स्किन को और आईज को प्रोटेक्टेड रखेगा. मैं ये नहीं कह रही कि ऑयल आई में डालो, ऑब्वियसली आई आंखों के लिए आप डाइट्री विटामिन ए लेंगे, बट हेयर के लिए एंड स्किन के लिए हम इंग्रेडिएंट बेस्ड विटामिन ए भी यूज कर सकते हैं. इस भृंगराज एंड मेथी सीड ऑयल एंड हीना लीफ, ये इन तीनों, भृंगराज जो है वो स्ट्रेस रिलीविंग होता है बहुत ज्यादा और एंटी इन्फ्लेमेटोरी भी होता है. जो मेथी सीड है एंड नेक्स्ट इज हीना, ये सब सबको पता है कि ग्रेइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि हेयर के कलर को मेंटेन रखने में बहुत जरूरी होता है, हेयर ग्रो करने में हेल्प करता है और नरिश रखता है हेयर के स्कैल्प को, और डैंड्रफ से बचा के रखता है, इरिटेशन से बचा के रखता है. तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, बिकॉज बच्चे के हेयर
सॉफ्ट रहेंगे, स्मूथ रहेंगे, बच्चे के हेयर में डैंड्रफ नहीं आएगा, ड्राई स्किन नहीं होगी, ड्राई स्कैल्प नहीं होगा। अगर कई बच्चों को हेयर में डैंड्रफ होता है तो वो बहुत बुरा लगता है, और यकीन मानिए कि डैंड्रफ बच्चों में 4-5 मंथ्स पे भी आप देख सकते हैं कुछ बच्चों को डैंड्रफ होगा, जस्ट बिकॉज की हेयर स्कैल्प या तो इरिटेटेड होता है या फिर ड्राई होता है। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट इज शंख पुष्पी। शंख पुष्पी एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी फंगल होने के साथ साथ इसमें स्ट्रेस रिलीविंग प्रॉपर्टीज भी होती है, बिकॉज ये एरोमा थेरेपी में बहुत यूज होता है। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट इज लिकोरिस। लिकोरिस इज अगेन वेरी गुड फॉर द स्कैल्प, बिकॉज लिकोरिस बहुत ही मॉइस्चराइजिंग इन्ग्रीडियंट है। नेक्स्ट इज लैवेंडर ऑयल। मॉइस्चराइजिंग होने के साथ साथ लैवेंडर ऑयल जो है वो मस्कीटोज को दूर रखता है, तो अगर आपके बेबी के स्कैल्प पे आप ये ऑयल लगाएंगे तो ये एक तरीके का, अगर आप अपने बेबी को रिपेलेंट नहीं लगा पा रहे हैं और मॉस्किटोज का डर है तो रिपेलेंट तो ऑब्वियसली जरूरी है, बट हाँ लैवेंडर ऑयल फिर भी अगर आप किसी वजह से रिपेलेंट लगाना भूल गए हैं तो लैवेंडर ऑयल अगर किसी भी इंग्रेडिएंट में है, किसी भी प्रोडक्ट में है, तो लैवेंडर ऑयल मॉस्किटोज को दूर रखता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पर, मामा अर्थ का टूथपेस्ट। अब बहुत ही कॉमन सा प्रोडक्ट है टूथपेस्ट, आप बच्चों के लिए कोई भी यूज कर सकते हैं, बट जो भी टूथपेस्ट बच्चों के लिए यूज करिए प्लीज मेक श्योर कि वो शुगर लेस हो, यानी कि शुगर नहीं हो उसमें। सेकेंडली कि वो फ्लोराइड फ्री हो, बिकॉज बच्चों के लिए फ्लोराइड टूथपेस्ट नहीं यूज होते, ये मुझे पीडियाट्रिशियन ने बताया था। 100% नेचुरल एंड इट इज फ्लोराइड फ्री एंड SLS फ्री, एंड इस ये बेरी फ्लेवर दो फ्लेवर्स में आता है, दिस इज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ये मेरे बेटे का फिनिश हो रखा है बिल्कुल। एंड ये नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर, ये मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया, क्योंकि क्रोसिन जैसा स्मेल करता है ये अंदर से, पर मेरे बच्चे को ठीक लगता है कि ही इज ओके विद दिस फ्लेवर, बिकॉज अब तो बच्चों की क्रोसिन भी बहुत फ्लेवरफुल होती है, ये हमारे टाइम पे क्रोसिन जो होती थी उसका फ्लेवर ही नहीं अच्छा होता था। इसके इंग्रेडिएंट्स में अगर आप देखें तो ग्लिसरीन के साथ साथ सोर्बिटॉल एंड ज़ाइलेटॉल दो टाइप के शुगर बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं। अब ये शुगर बेस्ड इंग्रेडिएंट होने का मतलब ये नहीं कि इसमें शुगर डली हुई है, जो सोर्बिटॉल है या ज़ाइलेटॉल है दोनों जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप ऑफ ग्लूकोज शुगर होते हैं, यानी कि इनमें ये नॉर्मली शुगर नहीं होते, शुगर जो है वो ज़्यादा कैलोरी बेस्ड होता है। इनमें सोर्बिटॉल हो चाहे ज़ाइलेटॉल हो उसमें कैलोरीज नहीं होते। सेकेंड ऑफ ऑल कि ये टूथ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, डेंटिस्ट पॉइंट ऑफ डेंटिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से या टूथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों जरूरी है, जो सोर्बिटॉल है या फिर ज़ाइलेटॉल है दोनों ये टूथ में एब्जॉर्ब नहीं होते, यानी कि हमारे टूथ के जो आसपास मस्कुलर कैविटी भी है ये रिपेल होके आउटसाइड आ जाता है। सेकेंड ऑफ ऑल कि ये जो माउथ में कैविटीज आ सकती हैं या माउथ के जर्म्स होते हैं, जो टीथ के जर्म्स होते हैं, उनकी ग्रोथ को रोक के रखता है। कैसे रोक के रखता है, क्योंकि उनको जो एनवायरनमेंट माउथ में चाहिए होता है जर्म्स को ग्रो करने के लिए, ये उस एनवायरनमेंट को ब्लॉक कर देता है, और ये उस एनवायरनमेंट से बिल्कुल ऑपोजिट होता है, यानी कि अगर उन्हें एक मॉइस्चराइज्ड और फूड और वो सब मॉइस्चराइज्ड एनवायरनमेंट चाहिए और एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए तो ये उस सबको चेंज कर देगा। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट इसमें जो है दैट इज एलो बारबैंडेज। एलो बारबैंडेज इज एलोवेरा। एलोवेरा अगेन टूथ के एनवायरनमेंट को स्टेबल रखता है और कैविटी और माइक्रोब्स को ग्रो नहीं होने देता। लास्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। सच्ची में कहूँ तो मैं नहीं चाहती कि कभी भी किसी भी बच्चे को इस प्रोडक्ट की नीड पड़े, बिकॉज ये है स्कार रिमूवल क्रीम। स्कार रिमूव तो नहीं होगा, हाँ लेस जरूर होता है इससे, और ये है मेडर्मा फॉर किड्स। मेडर्मा जो स्पेसिफिकली आप जानते हैं कि स्कार बेस्ड क्रीम है, और मेडर्मा बड़ों की अलग आती है स्कार्स को डील करने के लिए, लेकिन बच्चों की मेडर्मा अलग आती है। अब ये किस अगर बच्चे को मानिए कोई बर्न हो गया है हैंड पे या कहीं पे भी, हैंड पे या बॉडी पे कहीं पे बर्न आया है, बर्न मार्क आया है, या फिर एक्सीडेंट के थ्रू या कोई भी कुछ उसको चोट लगी है जिसके थ्रू स्कार रह गया है उसका, या स्टिच वाली जगह पे स्कार आ गया है, तो उन जगहों पे ये अप्लाई करिए और वो स्कार पूरा हील तो नहीं होगा, पर हाँ उस स्कार की रेडनेस और जो बम्पीनेस होती है स्कार की वो जरूर कम हो जाती है, और इसको रेगुलरली अप्लाई करना पड़ता है। एटलीस्ट मैंने अपने बच्चे को जब उसको आज से 3 इयर्स पहले उसको यहाँ पर कट लगा था, लिटरली वहाँ पे उसको 1 स्टिच की नीड थी, बट हमने लगवाया नहीं था बिकॉज स्टेरी स्टिप से काम चल गया था तब, तो स्टेरी स्टिप जैसे ही डॉक्टर ने उतारी थी उसके बाद हमने उसके लिए
ये मैं डर्माफोकेज यूज किया था ताकि उसका यहाँ का जो स्कार है वो हील हो जाए और उसका रेडनेस दूर हो जाए, तो तब ये रेगुलरली यूज किया था। उसका स्कार पूरी तरह हील नहीं हुआ है, वो मैं अग्री करती हूँ, पूरी तरह हील नहीं होगा स्कार, बट उसकी जो रेडनेस और बम्पीनेस है स्कार की वो जरूर कम हो जाती है इस प्रोडक्ट से। तो दैट दिस इज द ओनली प्रोडक्ट जो हमने वहां पे अप्लाई किया था। इसके अलावा अगर मैंने वहां पे कुछ अप्लाई किया था तो वो सिर्फ कोकोनट ऑयल था, तो या तो मैं ये अप्लाई करती थी या थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। तो इन दो प्रोडक्ट से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है उसके स्कार्स को डील करने में। तो अगर आप चाहते हैं, अगर बाय चांस भगवान ना करे आपके बच्चे को कभी चोट लगी है या किसी भी तरीके का उस पर बर्न मार्क या स्कार आया है या चोट से स्कार है जो नहीं जा रहा है, चाहे बड़े भी बच्चे हैं, तो उन पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपके बच्चे को ये चीज बेनिफिट करे। अब आज के लिए यही सब प्रोडक्ट्स थे जो मुझे आपको दिखाने थे। बाकी प्रोडक्ट्स मैंने आपको पिछली बार दिखा दिए थे, इस बार के प्रोडक्ट्स यही थे। आई होप आपको ये सब इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज प्रोडक्ट्स काम आएगी, और अगर आप ये प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं तो शायद आपको मेरी कही हुई ये बातें दिमाग में जहन में रह जाएं कि मैंने क्या क्या बताया था इनके बारे में या क्या क्या शेयर किया था आपके साथ। और अगर इसके अलावा आप लोगों के पास कोई प्रोडक्ट है जो आपको लगता है आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा है और वो बहुत हेल्पफुल रहा है आपके लिए, आपके बच्चे की स्किन के लिए, तो ज़रूर वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। नॉट एज अ यूट्यूबर बट एज अ मदर मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जो मैं अपने बेटे के लिए यूज़ कर सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर सब्सक्राइब किया है आपने तो प्लीज़ साथ ही साथ वो एक बेल बनी होती है ना, बेल नोटिफिकेशन के लिए, वो भी दबा दीजिए प्लीज़। और मैं कोशिश करूँगी कि डाइटरी बेस्ड वीडियोज़ भी आपके लिए बनाऊँ कि डाइट के लिए क्या रिक्वायर्ड है, या कोई पर्टिकुलर आपका कोई बॉडी इशू है जिसके लिए क्या डाइट होनी चाहिए, या पर्टिकुलर कोई बॉडी इशू है जिसके लिए आप क्या फूड आइटम्स खा सकते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो सब भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे साथ साथ ये भी बताइए कि आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं। आप डाइट बेस्ड वीडियो देखना चाहते हैं कि पतला होने के लिए क्या डाइट चाहिए होती है, या फिर गुड स्किन के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए क्या डाइट अच्छी होती है, या फिर कोई पर्टिकुलर बॉडी कंडीशन है जिसके लिए क्या डाइट होनी चाहिए, या जनरली हेल्दी डाइट में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम, और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छे हैं, या फिर क्या प्रोडक्ट्स हमें स्किन के लिए यूज़ करने चाहिए, कुछ भी जो भी चीज़ के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं, लिप स्वॉचेस के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं वो बताइए। तो मुझे प्लीज़ सजेशन बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में सजेशंस दीजिए कि किस तरीके की वीडियोस आप देखना चाहते हैं ताकि मैं वही कंटेंट आपके पास लेके आ सकूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई एम युक्ति साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।